दुर्ग नगर निगम की अतिक्रमण शाखा अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंचे थे, जहां कोर्ट के आदेश के बावजूद टीम बिना कार्रवाई के बेरंग वापस लौट गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए निगम के बाजार शाखा प्रभारी थान सिंह यादव ने कहा कि उक्त मामले में शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि निर्माण स्थल पर चबूतरा बनाया गया था, इन दुकान के बीच जो दूरी थी उसको देखते हुए अतिक्रमण शाखा के लोगों ने कार्रवाई नहीं की थी और पंचनामा कर टीम वापस आ गई। बता दें कि दुर्ग नगर निगम के गयाबाई वार्ड क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी और इसी बीच चबूतरा निर्माण को लेकर टीम यहां पहुंची थी। मौका मुआयना करने के बाद टीम बिना कार्रवाई के बेरंग वापस लौट गई। इनको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय पारित किया गया है। ये मामला गयाबाई स्कूल गया नगर का है, दुकान नंबर 1। इनको इनके संबंध में नवीन शुक्ला के द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका दायर की गई है और उसी के परिपालन में आज यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय पारित होने की स्थिति में नगर निगम की टीम कब्जा हटाने के लिए मतलब चबूतरा बनाया गया है उनके संबंध में कार्यवाही के लिए टीम निकली थी। वहाँ अवलोकन से पता चला है कि दुकान तो यथास्थिति है, दुकान में किसी प्रकार से कब्जा नहीं है किसी का और निर्माण भी नहीं किया गया है। केवल दुकान के सामने जो बाहरी सीमा है वहाँ चबूतरा का निर्माण किया गया है, इसलिए वहाँ से पंचनामा तैयार कर टीम वापस आ गई है।